केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के पद को लेकर अजीत पवार की एक एनसीपी से हुए विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजीत पवार गुट को अपने कोटे से राज्यसभा की एक सीट का ऑफर देकर मनाने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार एनसीपी नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के नेता को शामिल नहीं किए जाने से खुश नहीं है। हालांकि कैबिनेट में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री की पेशकश की गई थी, लेकिन पार्टी ने पटेल की वरिष्ठता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कैबिनेट में जगह दिए जाने पर जोर दिया। प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट में मंत्री के रूप में सेवा देने के बाद उनके लिए राज्य मंत्री का पद लेना उचित नहीं था। महाराष्ट्र में 25 जून को राज्यसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव प्रस्तावित है। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल और छत्रपति उदयन राजे भोसले के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद दो सीटें खाली हुई हैं। भाजपा के खाते में आसानी से दोनों सीटें जा सकती हैं क्योंकि विधानसभा में एनडीए की संयुक्त ताकत 203 है, जबकि विपक्ष के पास 288 सदस्य, विधानसभा में सिर्फ 69 विधायक हैं, जिसमें वर्तमान में 14 विधायक पद रिक्त हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती से पराजित होने के बाद अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। विधानसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या के हिसाब से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि एनसीपी के इस कदम से छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने राज्यसभा के लिए नजरअंदाज किए जाने और पार्टी द्वारा सुनेत्रा पवार को नामित किए जाने पर नाराजगी जताई। सुनेत्रा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भुजबल ने कहा कि उन्हें लगता है कि एनसीपी उन्हें इस पद के लिए अयोग्य समझती है। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा को एहसास हुआ है कि अजीत पवार गुट नाराज है, तो भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सीट देकर मनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद अजीत पवार को खुश करने के लिए भाजपा अपनी सीट एनसीपी को दे सकती है। एनसीपी में दूसरी राज्यसभा सीट किसे मिलेगी से लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में एनसीपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार ने राज्यसभा को लेकर बयान दिया था और कहा था कि उनकी पार्टी के दो नेता राज्यसभा जाएंगे। एक सीट के लिए सुनेत्रा पवार का नाम फाइनल होने के बाद दूसरे नाम को लेकर रहस्य बरकरार है।